हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की यूपी ट्रिपल एस सी आई टेस्टिंग ऑफिसर की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आज अपना जो एक नया क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, और हमारा क्वेश्चन है ट्रांसपोजिशन को लेकर। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। द ट्रांसपोज फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन इज़, यानी कि हमको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसको हमें ट्रांसपोज्ड करना है। ठीक है, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन हम रीड करेंगे, -2.50/+1.50 × 20, यानी कि स्फीयर पावर जो हमारी है, ये हमारी स्फीयर पावर है। ठीक है, स्फीयर पावर, ये हमारी सिलेंडर पावर और ये हमारी एक्सिस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप लोगों को ट्रांसपोजिशन आती है तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं, और मैं इसका सॉल्यूशन आगे करा रही हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। टॉरिक ट्रांसपोजिशन या सिंपल ट्रांसपोजिशन, ठीक है, जस्ट इन थ्री स्टेप। टॉरिक ट्रांसपोजिशन या सिंपल ट्रांसपोजिशन को करने के लिए हम थ्री स्टेप फॉलो करेंगे। तो थ्री स्टेप में से सबसे पहला हमारा जो स्टेप है, स्टेप वन, ऐड द स्फीयर एंड सिलेंडर वैल्यूज, यानी कि हम स्फीयर और सिलेंडर पावर की जो वैल्यू हमें दी हैं वो ऐड करेंगे टू ऑब्टेन द न्यू स्फीयर वैल्यू, और हमें क्या मिलेगा, न्यू स्फीयर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब हम फॉलो करेंगे सेकंड स्टेप को, यानी कि स्टेप टू। ठीक है, स्टेप टू हमसे क्या कह रहा है, चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर पावर, यानी कि जो सिलेंडर पावर हमें दी गई होगी प्रिस्क्रिप्शन में, उसके अकॉर्डिंग हम उसका साइन चेंज करेंगे। साइन कैसे चेंज करेंगे, प्लस टू माइनस, यानी कि प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस टू प्लस, और अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। ठीक है, और स्टेप थ्री हमारा है, चेंज द एक्सिस बाई 90 डिग्री, हम एक्सिस को चेंज करेंगे 90 डिग्री के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। डिफ़िकल्टी टू चेंज द एक्सिस वाई 90 डिग्री, अगर किसी को भी एक्सिस को चेंज करने में डिफ़िकल्टी आती है तो हम उसके लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे आप एक्सिस को आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला फार्मूला है, जब क्या हो, इफ गिवन एक्सिस इज मोर देन 90 डिग्री, यानी कि जब एक्सिस जो है 90 डिग्री से अधिक होगी तो हम न्यू एक्सिस कैसे निकालेंगे, जो गिवन एक्सिस है यानी कि जो हमें एक्सिस दी हुई है और उसमें से हम -90 डिग्री जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, और सेकंड स्टेप है हमारा, इफ गिवन एक्सिस इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि अगर हमें जो एक्सिस 90 डिग्री से कम है तो हम क्या करेंगे, उसमें न्यू एक्सिस फाइंड करने के लिए गिवन एक्सिस यानी कि जो हमें एक्सिस दी है उसको लेंगे और उसमें 90 ऐड कर देंगे। सबसे हम इसमें जो है सबसे ज़्यादा इस बात पर ध्यान देंगे कि हमें बोला क्या गया है, मोर देन और ये लेस देन। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, और हमें न्यू एक्सिस दोनों तरीके से फाइंड हो जाएगी, मोर देन है तब क्या करेंगे और लेस देन है तब क्या करेंगे, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल में हमको मिला है तो हम लोग पढ़ते हैं। ट्रांसपोज द रिटन माइनस सिलेंडर लेंस प्रिस्क्रिप्शन ऑफ +3.00 - यहाँ पे हम स्लैश भी लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, -2.00 और एक्सिस हमारी 180 है इनटू प्लस सिलेंडर फॉर्म। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या था, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें अपनी जो है हमें जो
प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसे हमें चेंज करना है, हम उसको सबसे पहले लिखेंगे और हम स्टेप वन फॉलो करेंगे। जिसे हमने साइड में लिखा हुआ है स्टेप वन, हमारा स्टेप वन पहले कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा स्टेप वन हम कंप्लीट करेंगे। स्टेप वन कंप्लीट करेंगे तो स्टेप वन कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्फेरिकल पावर लेंगे, ठीक है। स्फेरिकल पावर लेने के बाद हम सिलेंडर पावर लेंगे, ठीक है। यानी कि स्फेयर पावर हमारी कितनी है +3.0, ठीक है, और सिलेंडर पावर हमारी कितनी है -2.0। आप लोग समझ तो रहे हैं ना, ये हमारी स्फेयर पावर होती है, ये हमारी सिलेंडर पावर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा स्टेप था कि हम दोनों पावर को ऐड करेंगे, तो हमने इसमें जो है ऐड करी है, ठीक। और जब ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे स्फेयर पावर +3.0 प्लस, अब माइनस का साइन है सिलेंडर के साथ, हम इसको कोष्टक में लिखेंगे। हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे +3.0, जब प्लस माइनस को गुणा किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें माइनस मिलता है, हम माइनस लगाकर 2.0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब लिख जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, न्यू स्फेयर पावर मिलेगी हमें, न्यू स्फेयर पावर हमें कैसे मिलेगी, 3.0 प्लस का है हमारा और माइनस के 2.0 माइनस का है, तो प्लस माइनस होता है तो माइनस करते हैं, और माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा +1.0 डायोप्टर स्फेयर, ठीक है। अब आगे है न्यू सिलेंडर पावर हमको फाइंड करनी है, न्यू सिलेंडर पावर। अब न्यू सिलेंडर पावर हमें कैसे मिलेगी, हम क्या करेंगे, सिलेंडर पावर जो हमारी दी हुई है उसमें हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ हमारा साइन किसका है, -2.0, और हम जब वो सिलेंडर पावर है हम इसको साइन चेंज करेंगे तो हमें न्यू सिलेंडर पावर मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, +2.0 ये मिल गया हमें, ठीक है, हमारा न्यू सिलेंडर पावर मिल गई। अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे है, हमें सारी चीज़ें मिल गई, अब हम अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखे, अभी हमें एक्सेस भी अपनी जो है चेंज करनी है। तो एक्सेस चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें हमने अभी दो पॉइंट पढ़े थे कि अगर 90 मोर देन है तो हम उसमें से 90 माइनस कर देंगे, और अगर 90 लेस देन है तो 90 ऐड कर देंगे। और हमें एक्सेस क्या दी हुई है, 180 का मीन होता है कि 90 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे इसमें 90 माइनस करेंगे जिससे हमें न्यू एक्सेस मिल जाएगी 90। समझ रहे हो आप, 180 डिग्री में से माइनस के 90 डिग्री माइनस करेंगे हम तो हमें मिलेगा 90 डिग्री, ठीक है। आप लोग को समझ में आया, और हमें जब दोनों सारी चीज़ें मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है। ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें क्या हुआ है, हमारी स्फेयर पावर हमें मिली है +1.0 डायोप्टर सिलेंडर जो यहाँ हमें मिली है, न्यू स्फेयर पावर, ये हमें न्यू स्फेयर पावर मिली है। अब हमें जो है सिलेंडर पावर मिली है +2.0, यहाँ हम स्लैश फिर से लगा देते हैं, ठीक है। तो हमें न्यू सिलेंडर पावर हमें मिली है ये, ठीक है, +2.0, और हमने अभी चेंज करी थी एक्सेस 90 डिग्री, ठीक है। अब हम प्रिस्क्रिप्शन को अपना लिख देंगे, तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन कंप्लीट होने वाला है, जो ये हमें फाइनली मिल गया, प्लस के 1.0 /2.0 और इंटू 90 डिग्री एक्सेस फाइनल पावर हमें मिल गई। और हमारे सारे स्टेप हमने कंप्लीट किए, स्टेप वन स्टेप टू एंड सिलेंडर पावर चेंज करी, फिर हमने सिलेंडर पावर चेंज करने के लिए हमने साइन चेंज किया, और हमने स्टेप 3 अपना कंप्लीट किया एक्सेस को चेंज करके, ठीक है।
अब हमें जो है अपने वाले सवाल पर जाना है, जो हमें सवाल दिया हुआ था। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। और हम लोग अब अपना सवाल जो है सॉल्व करते हैं। ये हमारा सवाल है, ठीक है। टॉरिक ट्रांसपोजिशन या सिंपल ट्रांसपोजिशन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा द ट्रांसपोज्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बाय फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शन इज, हमारा ये प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है हमें। ये हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये, ठीक है। -2.50/+1.50 × 20 एक्सेस है, यानी कि हमारी स्फीयर पावर इसमें क्या है, ये हमारी स्फीयर पावर है, ये हमारी सिलेंडर पावर है और ये हमारी एक्सेस है, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉलो द स्टेप 1, 2, 3, हमने 3 स्टेप कंप्लीट किए थे ना, हम इसमें भी 3 स्टेप कंप्लीट करेंगे। ये हमारा प्रिस्क्रिप्शन है, अब हम इसको करेंगे। स्टेप वन हमसे क्या कह रहा है, स्टेप वन हमसे कह रहा है कि स्फीयर पावर को और सिलेंडर पावर को आप ऐड करें। तो हमारी स्फीयर पावर है -2.50, सिलेंडर पावर हमारी है वन पॉइंट फाइव ज़ीरो प्लस का, ठीक है, हमने लिख लिया है। उसका हम सेकंड लाइन में चलेंगे तो ये हमसे कहा गया हमारा जो स्फीयर पावर है माइनस का है, -2.50 + 1.50। अब जब प्लस माइनस होता है तो हम माइनस करते हैं और फिर हम देखते हैं कि साइन किसका आएगा। तो साइन हमेशा जिसका नंबर ज़्यादा होता है वही साइन आता है, जैसे कि इसमें 2 लिखा है, इसमें 1 लिखा है, तो 2 वाला साइन आएगा, यानी कि माइनस आएगा, -1.00। आप लोग शायद समझ नहीं पाए होंगे 2, 1 क्या मैंने बोला। 2.50 हमारी बड़ी संख्या है, 1.50 प्लस की है, लेकिन वैसे अगर बिना साइन के देखी जाए तो हमें 2.50 हमारे लिए बड़ा है, तो हम उसका साइन लेते हैं। तो माइनस के 1.50 हमें क्या मिलेगी, न्यू स्फीयर पावर, ठीक है। आप लोग समझ तो गए हैं ना, अगर समझे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम स्टेप 2 फॉलो करेंगे। स्टेप 2 हमारा है, सिलेंडर पावर का साइन चेंज करना। हमारे सिलेंडर पावर हमको क्या दी है, +1.50। अब न्यू सिलेंडर पावर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज करेंगे। तो साइन चेंज करेंगे -1.50, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर पावर आ गई न्यू वाली। अब आगे चलते हैं। स्टेप थ्री का मतलब है एक्सिस को चेंज करेंगे। एक्सिस हमारी इसमें कितनी दी है, 20। हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, मतलब स्टेप जो हमने 3 पढ़ा था उसमें क्या था कि मोर देन 90 है तो हम 90 माइनस करेंगे, लेस देन 90 है तो 90 ऐड करेंगे। ये हमारा क्या है, लेस देन 90 का मतलब हम इसमें 90 ऐड करेंगे। ये हमने 90 ऐड कर दिया। अब हमें क्या मिला, न्यू एक्सिस हमें क्या मिली, 20 + 90 110, ठीक है, यानी कि 110 हमें मिला, ठीक। अब हम लिखेंगे फाइनल अपना प्रिस्क्रिप्शन जो हमें ट्रांसपोजिशन करने के बाद जो मिला है, ठीक है, वो लिखेंगे हम लोग। तो न्यू स्फीयर पावर हमारी हमें मिली -1.00, न्यू सिलेंडर पावर हमें मिली -1.50 इंटू एक्सेस हमें मिली 110, ठीक है। ये हमारी फाइनल प्रिस्क्रिप्शन मिल गया हमें। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और
थैंक यू। मेरी कोशिश थी आप लोगों को बता पाना कि ट्रांसपोजिशन कैसे करते हैं। अगर मैंने अच्छे से बताई होगी तो आप लोगों को समझ में आई होगी, अगर मैंने ठीक से नहीं बताई होगी तो ज़रूर से आपको नहीं समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।